एटा के दहलिया पूट के ग्राम प्रधान ललित मोहन मिश्रा ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने वाले दबंग सपा नेता और पूर्व प्रधान बलबीर यादव की एटा डीएम से शिकायत की। एटा डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने अलीगंज एसडीएम मानवेंद्र सिंह को पूरे मामले में दिए जाँच के आदेश। जाँच के बाद मामला सही पाए जाने पर ग्राम समाज की जमीन को जल्द कराएं कब्जा मुक्त। पीड़ित ग्राम प्रधान ललित मोहन मिश्रा ने बताया कि 5 सालों से लगातार कर रहा हूं अवैध कब्जा। धारक बलवीर सिंह यादव की शिकायत, दबंग बलवीर पीड़ित को जान से मारने की दे रहा है धमकी। एटा के अलीगंज तहसील क्षेत्र के दहलिया पूट का है मामला। हमारे गांव का एक पूर्व प्रधान है बलवीर सिंह यादव, जो भूमाफिया है, बहुत दबंग गुंडा है जी। उसने हमारे गाँव की ग्राम समाजी जमीन पे लगभग 1 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया है जी। उसपे अपनी कोठी बना ली है, उसपे हमारे गांव के ग्राम समाज के लोग उसपे कंडे और जमीन पे फसल सुखाते थे जी। मैंने कई बार माननीय जिलाधिकारी महोदय के शिकायत की, पूर्व पिछली सरकार में भी शिकायत की, 2017 में शिकायत की जी। और जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे बिल्डिंग तोड़ने का आदेश हो गए थे, सारा फोर्स पहुँच गया था, बुलडोजर पहुँच गया था जी। लेकिन दबंग माफिया भू माफिया बलवीर सिंह यादव शॉर्टगांड से आदेश कर दिया था डीएम ने तोड़ने का। हाँ, आदेश कर दिया था। फिर क्या हुआ? जेसीबी पहुंच गई थी, बुलडोजर पहुंच गया और तहसीलदार पहुंच गए थे, लेखपाल पहुंच गए, कानूनगो सब पहुंच गए थे जी। और फिर भी वहां से प्रशासन वापस लौटा है, बिल्डिंग नहीं तोड़ी। क्या मांग करते हैं आप अभी? मैं यही मांग करता हूँ कि जिस जगह को खाली कराया जाए, ग्राम समाज की जमीन है हमारे ग्राम समाज की जी। वो गरीबों के वहाँ यूज के लिए है, न कि वो दबंग प्रधान ने उस पर कब्जा कर लिया, कोठी बना ली है, उसको खाली कराया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका सीधा कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी का नहीं रहेगा, तो क्या मानते हैं जी? मतलब एक तरीके से चुनौती दे रहा है क्या? क्या कहेंगे? नहीं, चुनौती दे रहा और इसी आशा इसी उम्मीद के साथ हमें आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि जितने भूमाफिया हैं जो सरकारी जमीनों कब्जा किए हैं उनको खाली कराया जाए, और बड़ी उम्मीद से हम यहाँ तक आए। लेकिन मुझे खतरा है सर, अभी क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने आपको जी? डीएम साहब ने क्या सोचा? डीएम साहब ने आदेश दिया कि एसडीएम को मैं जांच के लिए वहाँ भेजूंगा और मैं इसको जांच करा के तत्काल खाली कराऊंगा, ऐसा मुझसे बोला है। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।